Hi guys, welcome back to my channel and welcome to the new video. Good morning. आज मैं first time good morning बोल के video start कर रही हूँ. Actually क्या होता है कि सुबह थोड़ा मतलब hectic schedule रहता है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मतलब अपना video start नहीं कर पाती. मेरा husband office भी निकलते हैं 9 बजे करीब, so इसलिए उसके पहले actually मतलब camera on करके काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब थोड़ा late हो जाते, इसलिए मेरा मतलब मैं उसके निकलने के बाद ही कुछ करती हूँ. तो आज भी वो निकल गए, तो मैं सोची चलो स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को. अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, मैं स्मूदी पी रही हूँ. एक्चुअली मैं मॉर्निंग में स्मूदी प्रेफर करती हूँ. तो अब मेरा बेटा अभी भी सो रहा है, उसको भी उठाना है. अभी 9 बज के पार भी हो गए, शायद 9:15 ऐसा कुछ बज रहा है. और मैं एक्चुअली मेरा बेटा का आदत है बहुत लेट से सोता है और मॉर्निंग में लेट से उठता है. ये तो नॉर्मल है ना, अगर रात को लेट से सोएगा तो सुबह उठ नहीं पाएगा. सो अभी उसको भी उठाना है, उसको भी फ्रेश करना है, उसको भी फ्रेश करके कुछ खिला दूंगी. अभी उसका भी खाना बनाऊंगी, मैं ये स्मूदी पी लूं, उसके बाद मैं इसको खाना बनाऊंगी. चलिए मैं अपना स्मूदी एंजॉय करती हूँ. ओके ये देखिए मेरा बेटा भी उठ चुका है. डेली तो उसको उठाना पड़ता है, लेकिन आज खुद ही उठ गए हैं, अच्छी बात है. एक्चुअली वो मतलब मैं बहुत देर से उसको उठाती हूँ, लेकिन वो उठता नहीं है, बहुत टाइम लगाती है. आज पता नहीं खुद से नींद खुल गया होगा या नींद कंप्लीट हो गया होगा इसलिए उठ गया. अच्छी बात है. से गुड मॉर्निंग बोलो, से गुड मॉर्निंग. अभी सो के उठा है ना, इसलिए उसका उतना मूड ठीक नहीं है मतलब. चलिए उसको भी ब्रश करा के फ्रेश करा दूंगी, फिर उसको भी कुछ खिला देंगे, उसको भी भूख लग गया होगा. चलिए बाद में मिलते हैं. ओके अभी के लिए बाय बाय. यहाँ पे मैं उसको खाना खिलाने के लिए ऊपर में बैठाई हूँ, अभी मैं उसको खाना खिला दूंगी. एक्चुअली अभी उसका एक नया शौक चढ़ा है, वो बोलता है मैं बाहर साइकिल चलाऊंगी और फिर मेरे को उसके पीछे पीछे घूम के खाना खिलाना पड़ता है. तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है ना, इसलिए मैं उसको आज कुछ भी मतलब समझा बुझा के इधर ही बोली कि इधर ही खा लो बेटा, यहीं पर मैं खिला रही हूँ. और उसको आदत है थोड़ा सा ऊँचे जगह में बैठ के ही खाना खाता है, तो इसलिए मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर बिठा के हमेशा खिलाती हूँ. मैं यहाँ पे उसको साबूदाना खिला रही हूँ, मतलब कभी साबूदाना, कभी ओट्स, कभी डालिया, कभी कॉर्नफ्लेक्स, यही सब मैं घुमा फिरा के अल्टरनेटिव खिलाती हूँ. यहाँ पे मैं अपना कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ. एक्चुअली मैं एक दो दिन बाद मैं वॉशिंग मशीन चलाती हूँ, इसलिए थोड़ा कपड़ा ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा रह जाते हैं. तो यहाँ पे अब मैं एक एक करके सभी को फोल्ड कर लूँगी. यहाँ पे लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं. ये मेरा बेटे के लिए बना रही हूँ, आज उसके लिए मैं खिचड़ी बनाऊँगी. एक्चुअली वो मतलब तीखा नहीं खा पाता, सो उसके लिए मैं अलग से खाना बनाती हूँ. अलग से इन द सेंस वो दाल और राइस तो सेम ही रहता है, मैं सिर्फ उसके लिए कुछ सब्जी अलग बना देती हूँ. आज मैं मेरे लिए भी बनाऊँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना के दिया था, मेरे लिए कुछ बनाई नहीं थी. अभी मेरे लिए भी रोटी बना लेंगे और कल का एक भुर्जी है थोड़ा सा, तो उसके साथ मैं अपना लंच कर लूँगी. यहाँ पे अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ. एक्चुअली एक दीदी है, वो आके झाड़ू पोछा बर्तन कर देती है, लेकिन वो थोड़ा लेट से आती है और मैं पूजा करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा झाड़ू लगा रही हूँ. और मेरा बेटा को देखिए, वो भी मेरे साथ झाड़ू लगा रही है. मैं कचरे को निकाल रही हूँ और वो अंदर घुसा रहे हैं, उसका डेली का ऐसा ही काम है. मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तब भी वो और एक झाड़ू लेके ऐसा झाड़ू लगाता है, और नहीं तो कचरे के सामने हमेशा घूमता रहता है. ये मेरा भगवान का मंदिर है, अभी मैं पूजा करूंगी.
नहा के पूजा भी कर लिया, अब मैं इसको नहलाऊंगी। फिर डेली एक्चुअली इसको साथ में ही मैं पहले इसको नहलाती हूँ फिर मैं नहाती हूँ, नहीं तो इसको नहाने के चक्कर में मैं आधी पूरी मतलब आधी गीली हो जाती हूँ इसलिए। तो लेकिन आज बोले कि मम्मा तो वो एक्चुअली खेल रहा था तो इसलिए मेरे को बोले मम्मा थोड़ी देर बाद। सो इसलिए बोलो खुलेगा तो फिर मैं इसको नहला के फिर उसको पहले खाना खिलाएंगे उसके बाद मैं खाऊंगी। तो अभी मेरा दीदी भी आ गए तो भी काम कर लेंगे। एक्चुअली अभी उसका नया शौक चला है, तब बोली ना कि वो मतलब वो बोलता है कि बाहर मैं साइकिल चलाऊंगा और मेरे को घूम के खिलाना पड़ता है बाहर। इन द सेंस ये मतलब मेरे गेट के बाहर कॉरिडोर में वो साइकिल चलाता है, मैं तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे बैठा के कुछ भी मतलब समझा बुझा के खिला दिया। अब पता नहीं लंच के टाइम बोलेगा शायद कि मैं साइकिल चलाऊंगा। सो देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। आज तो मैं उसके लिए खिचड़ी बनाई और मेरे लिए रोटी बनाई। सो चलिए उसको नहलाते हैं, उसके बाद लंच वंच करके थोड़ा रेस्ट करके फिर शाम को मिलते हैं। ओके सो चलिए अभी के लिए बाय बाय। गुड इवनिंग गाइस, अभी 5:30 हो गए हैं। मैं सोई तो नहीं थी, बस ऐसे थोड़ा बहुत लेटी थी, मोबाइल देख रही थी। सो अभी मैं थोड़ा रेडी हुई हूँ बिकॉज मैं यहीं पे एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ। थोड़ा एक चीज का हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी क्या प्लानिंग कर रही हो वो अभी नहीं बताएंगे, अगर प्लान सक्सेसफुल हो जाए देन बताएंगे। सो चलिए सब और भी 2-3 जन आएंगे। सो सब लोग पहुंच भी गए, मेरे को बार बार फोन कर रहे हैं, अभी भी फोन आ रहा है। सो चलिए उसके घर जाके आ जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ओके सो गाइस हम आ गए हैं, अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए, अभी हम चाय पी रहे हैं और थोड़ा सा स्नैक्स पी रहे हैं, फिर चाय वाय पीते जिम जाएगा, फिर मैं भी रात का खाना बनाऊंगी। तो अभी हो गया हम लोग का जो डिस्कशन था, तो देखते हैं क्या होता है, अगर सक्सेसफुल होगा फिर हम बताएंगे। ओके क्या चीज का था। सो चलिए अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे मैं अभी डिनर बना रही हूँ, डिनर पे चिकन एंड चाइनीज़ फ्राइड राइस है। आज कुछ स्पेशल डे नहीं है लेकिन बस चिकन था फ्रिज में इसलिए बना रहे, और बहुत सारे वेजिटेबल भी थे बहुत दिन से फ्रिज में, तो मैं सोची बना लेते हैं। और चाइनीज़ आइटम मेरा फेवरेट है, कुछ भी चाइनीज़ डिश हो मेरे को बहुत पसंद है। आज तो मेरा हस्बैंड भी शॉक्ड हो गया था क्योंकि उसको पता था मैं चिकन बना रही हूँ लेकिन मैं फ्राइड राइस बनाऊँगी उसको मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं जब उसको खाना सर्व कर रही थी तो वो एकदम शॉक्ड हो गए थे। आज मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई ना, और मैं इसको भी शेयर करने जाऊँगी तो और भी लंबी हो जाएगा, लेकिन कभी कोई दूसरी वीडियो में मैं ज़रूर ये दोनों रेसिपी को शेयर करूंगी। बहुत ही अच्छा बना था गाइस, बहुत टेस्टी हुआ था, मैं खाने के बाद ही बता रही हूँ। चिकन तो मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से ही बना रही हूँ, सब कुछ देके मैं मैरिनेट करके रख दिया था, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए ही मैं रखी थी क्योंकि मैं पहले फ्राइड राइस को बनाई उसके बाद ये चिकन बनाई ना, इसलिए टाइम थोड़ा मतलब मिल गया मैरिनेशन के लिए। सो बहुत टेस्टी हुआ था, और चाइनीज़ फ्राइड राइस तो वैसे ही टेस्टी होता है तो इसलिए वो भी बहुत टेस्टी हुआ था, लेकिन मैं किसी और वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और देखिए कितना सुंदर कलर भी आया है ना, बहुत टेस्टी हुआ था। सो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके सो इफ़ यू आर लाइक माई वीडियो देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।